व्हाट इज पोस्टपार्टम वेट गेन? पोस्टपार्टम वेट गेन क्या है? डिलीवरी के बाद जनरली आप एक थोड़ा सा अमाउंट का वेट लूज करते हो और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि सिंस यू आर नॉट प्रेग्नेंट यू आर गोइंग टू लूज सम मोर वेट एज यू आर ऑल्सो ब्रेस्ट फीडिंग. लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके अपोजिट आप वेट गेन कर रहे होते हो. आपकी नींद नहीं हो रही है, आप स्ट्रेस्ड हो, आप टायर्ड हो, यू आर वरीड अबाउट योर न्यू बॉर्न कि उसकी केयर करनी है आपको. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ हो रही होती हैं. Hi mommies, welcome back to Mom's Little World. I hope you all are doing great and taking very good care of yourself. आज के एपिसोड में पोस्टपार्टम वेट गेन क्या है इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये भी बात करेंगे कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए आप एक कंसिस्टेंटली वेट लूज कर सकते हो. यहाँ मैं किसी भी क्रैश डाइट के बारे में बात नहीं करूँगी. जो भी बात करने वाली हूँ मैं, वो बहुत ही क्रिस्प नॉलेज होने वाली है. तो मेक श्योर करें कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखो, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्मॉल स्मॉल चीज़ें हैं जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट की हैं एंड दे आर रियली फुल प्रूफ. फीडिंग भी करें, क्रैश डाइट भी ना करें, बच्चे की भी केयर हो जाए और आप भी वेट लूज करते रहें. आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 15 kg एंड बाई फॉलोइंग एवरी थिंग जो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आई एम श्योर कि आप भी बहुत ही कंसिस्टेंटली वेट लूज कर सकते हो. तो एक छोटा सा रिमाइंडर है वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो है, ताकि आपको ऐसे ही पेरेंटिंग, मदरहुड रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलते रहे. आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, वाइड रेंज है हमारे चैनल पे, एवरीथिंग रिलेटेड टू अ न्यू मॉम, टू अ चाइल्ड केयर. एंड प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, एक थम्स अप दें हमें, इट इनकरेजेस अस. और अपने जैसे अलग न्यू मदर्स के साथ, फैमिली फ्रेंड्स सबसे शेयर करें, बिकॉज वी आर ग्रोइंग एज अ कम्युनिटी एंड वी वुड रियली रियली लव कि आप भी हमारे चैनल का एक पार्ट बने, हमारी कम्युनिटी का एक पार्ट बने. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो देयर आर 3 types ऑफ मदर. सबसे पहले होती हैं जो डिलीवरी के बाद वेट लूज करते हैं लेकिन बाद में गेन कर लेते हैं. सो आई कम्स अंडर दैट कैटेगरी. सेकेंड होती हैं जो बहुत ही कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेट नहीं लूज करती इवन आफ्टर डिलीवरी, और भी ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं. डिलीवरी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल अमाउंट वेट नहीं लूज़ कर रही हैं ये लोग, जो सेकेंड कैटेगरी में आती हैं. और डिलीवरी के बाद, आई मीन लाइक पोस्ट प्रेगनेंसी, दे आर गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट. एंड देन कम्स द थर्ड कैटेगरी. ये कैटेगरी की मदर्स क्या होती हैं, ये एक कंसिडरेबल अमाउंट, जितना कि 5 to 6 kg कंसिडर किया जाता है कि ऑन एन एवरेज अ मदर लूजेस आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी, और उसके बाद ये कंसिस्टेंटली वेट लूज करते रहते हैं. और एट ए टाइम व्हेन यू मीट देम यू आर अमेज्ड टू से कि ये इतनी फिट कैसे हैं और मैं कैसे वेट गेन किए जा रही हूँ. तो डिस्कस करते हैं कि ऐसा होता क्यों है. पहले ये बताती हूँ कि पोस्टपार्टम वेट गेन होता क्या है. तो जो भी प्रेगनेंसी में आप वेट गेन कर रहे हो, इट इज़ बिकॉज यू आर ऑल्सो हैविंग अ बेबी, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी. आपकी बॉडी चेंज हो रही है, बच्चा ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियसली होता है कि आप कुछ किलोज पुट ऑन करते हो. और ये भी डिपेंड करता है कि आपका स्टार्टिंग वेट क्या है, बिफोर कैरिंग अ फीटस आपका स्टार्टिंग वेट क्या था, और वही डिटरमाइन करता है कि हेल्दी वेट गेन आपने कितना किया है. सो अ मदर शुड नॉट गेन अ लॉट ऑफ वेट, अनहेल्दी वेट गेन नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब आप व्हेन यू आर प्रेग्नेंट यू आर कैरिंग अ बेबी, ऑल यू नीड इज़ अ 300 calorie पर डे, दैट्स इट. इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होती है. अगर आपका कुछ वर्किंग बहुत ज़्यादा हेक्टिक है तो ऑब्वियसली यू कैन गो अप टू 400-500 calories. अगर आपको ऐसा फील होता है कि आज मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया या आई एम फिजिकली वेरी एक्टिव, तो जब ये कैलोरी आप इंटेक कर रहे होते हैं तो आपको हमेशा ध्यान देना होता है कि आप एम्प्टी कैलोरी ना खाओ. एम्प्टी कैलोरी कहने का मेरा मतलब है, जैसे कि एक मैगी का अगर आप पैकेट खाते हो, कभी देखा है कि उसके कैलोरी कंटेंट कितनी होती है? इट्स आई थिंक मोर देन 300 calories. लेकिन आपको उससे कंटेंट फील नहीं होगा. उसके बाद आपको फिर मन करेगा एक समोसा खा लेती हूँ, एक पिज्ज़ा खा लिया, एक बर्गर खा लिया. तो ये जो मंचिंग होती है वाइल यू आर प्रेग्नेंट, आपको इस चीज़ को कंट्रोल करना है. आपको उस ड्यूरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्दी डाइट लें. तो मैं ये सारी चीज़ें फॉलो कर रही थी और मेरा टोटल वेट गेन अराउंड 9 to 9.5 kg था एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग माई सेकेंड वन. एंड इवन एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग माई फर्स्ट वन, आई गेन 9 kg ऑफ वेट. उसके बाद क्या हुआ,
आई यूज़ टू फील वेरी टायर्ड, इतना ज़्यादा कि आई टुक ऑलमोस्ट 3 months टू फील गुड अबाउट माई बॉडी. तो अनलेस अंटिल योर गायनी इज़ गिविंग यू अ गो अहेड, अगर आपकी गायनी को थोड़ा सा भी है कि आपकी बॉडी हील नहीं किया है, वो प्रॉपर चेकअप करते हैं, टेस्ट करते हैं, और जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं देन दे गिव यू अ थम्स अप कि हाँ आप आगे जा सकते हो, आप अपने वर्कआउट शुरू कर सकते हो. तो जब भी आपको फील हो कि आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, क्योंकि डिलीवरी के बाद क्या होता है कि बहुत सारी डाइट शुरू हो जाती है हमारे इंडियन फैमिलीज़ में, एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप वो सारी चीज़ें ज़रूर फॉलो करें. मसाज का जो रिचुअल है हमारे यहाँ पे, बेबी मसाज का, मदर की मसाज का, और जो डाइट दी जाती है, पंजीरी जी दी जाती है, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू होते हैं, जितनी भी चार लैक्टेशनल लड्डूज आजकल मार्केट में आने लगे हैं, तो जितनी भी चीज़ें फॉलो होती हैं ट्रेडिशनली, आप प्लीज़ फॉलो करें. गिव योर बॉडी अ टाइम ऑफ 30 to 40 days, और ये टाइम होता है जब आप इंटरनली हील कर रहे होते, स्ट्रांग हो जाते हैं, देन कम्स द नेक्स्ट स्टेज. ये वो स्टेज होता है जहाँ पे हम आराम से हो जाते हैं, अरे हम तो ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, हमें भूख बहुत लगती, एग्जैक्टली बहुत भूख लगती है आपको, यू फील लाइक हंग्री ऑल द टाइम. डजंट मीन कि यू कीप ऑन मंचिंग ऑन थिंग्स, मंच ऑन थिंग्स विच आर रियली रियली हेल्दी. तो अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एग्जैक्टली आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है अगर आप वेट भी लूज़ करना चाहते हो एंड ब्रेस्ट फीड भी करा रहे हो अपने बच्चे को. आप पिक्चर्स में देखोगे डिलीवरी के टाइम पे मेरा वेट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वेट गेन किया. तो ऐसा क्यों हो रहा था? सबसे पहली चीज़ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, मेरी नींद नहीं हो पाती थी क्योंकि मायरा बहुत अच्छा सा स्लीपिंग बेबी नहीं थी, वो बहुत कम सोती थी, रात में बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी. दूसरी चीज़ है कि स्ट्रेस, व्हाई स्ट्रेस हैपेंस. इन माय केस आई वाज स्ट्रगलिंग टू मैनेज 2 kids. तो कई बार ऐसा होता था, माही भी बहुत छोटा था, ही वाज 3.5 years old व्हेन मायरा वाज बॉर्न, तो ही आल्सो वांटेड माय अटेंशन. मेनी अ टाइम्स ऐसा होता था कि ये भी रो रही है, वो भी रो रहा है. तो आप एज ए मदर ना दो बच्चों के बीच में फंस जाते हो. तीसरी चीज़ स्ट्रेस हार्मोन्स. स्ट्रेस हार्मोन का लेवल मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था, मेरे थायराइड लेवल्स बूस्ट कर रहे थे एंड इट वाज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर मी. तो कंक्लूजन, पोस्टपार्टम वेट गेन 3 main factors की वजह से होता है. पहला, नींद नहीं होना बिकॉज यू आर स्लीपलेस, स्ट्रेस्ड होना, और थायराइड लेवल्स फ्लक्चुएट करने की वजह से. अब आपको बताने वाली हूँ द मेन थिंग जो कि क्लाइमेक्स है इस पूरे वीडियो का, कि कैसे मैंने बेबी स्टेप्स लेके 15 kg ऑफ वेट लूज किया, और इतना भी मुश्किल नहीं है. सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है लाइफस्टाइल चेंज करने का. अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा मॉडरेट चेंज कर दो, बस थोड़ा सा, तो आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं. डिस्क्लेमर, यहाँ मैं किसी भी तरह का वार्म वाटर में आपको नींबू पानी निचोड़ना, जीरा पानी पीना, सॉफ्ट पानी पीना, ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज आई रियली डोंट फॉलो ऑल दिस थिंग्स. मैं बिल्कुल होलिस्टिक डाइट ही फॉलो कर रही हूँ और वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ. तो जैसे ही आपकी गायनी आपको गो अहेड दे देती है, आप स्टार्ट कर सकते हो बेबी स्टेप्स लेना. बेबी स्टेप मतलब छोटी छोटी चीज़ें करो, आप अपने हाउस के चोर्स करने शुरू कर दो, हैवी वर्क नहीं, कपड़े फैलाना शुरू कर दो, खुद से उठ के पानी ले लो, घर में किसी की हेल्प करा दो, बच्चे के साथ हल्का सा बालकनी में टहल लिया, या फिर टेरेस पे, या फिर पार्क में, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे. इफ़ यू हैव अ लॉन इन द हाउस देन वेल एंड गुड. स्टार्ट विथ 15 minutes ऑफ वॉक अ डे, और ये कंपलसरी आप स्टार्ट कर दो. जब भी आपको लगे कि आपकी बॉडी हील हो गई, आपको खुद से अच्छा फील होना शुरू हो जाता है, मैंने 3 months के बाद स्टार्ट किया, आप 6 months के बाद स्टार्ट करते हो, आप 1 year के बाद स्टार्ट कर सकते हो. जब भी आप फील करो कि नहीं अब मुझे तो करना है, नाउ आई हैव टू डू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, सबसे पहले स्टार्ट स्लोली फॉर अ वीक, स्टार्ट फॉर 15 minutes, देन इफ़ यू आर फीलिंग वेल एनर्जेटिक देन गो फॉर 30 minutes. डेली राइट डाउन वॉट यू ईट, आप जो भी खा रहे हो आप एक बुक या फिर जो मैं कहते हैं ना एक जर्नल, एक डायरी मेंटेन कीजिए, और बिल्कुल मेंटेन कीजिए, इसमें थोड़ा सा भी ना डोंट फील लेजी कि नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, बिल्कुल नहीं. आपको डेली लिखना है कि आपने क्या खाया, आप क्या जंक आपने खाया और उसे कैसे रिड्यूस करना है. आप लिखोगे कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आज मैंने 15 minutes वॉक किया, या आज मैंने कोई योगा आसन किया, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो आपको नोट करना है. इससे क्या होता है, आपके ब्रेन को ना एक ट्रिगर मिलती है, अच्छा आई एम डूइंग दिस,
तो आई या मोने पातो वेट लॉस, अगर आप कुछ भी जंग देखोगे ना तो घंटी बजनी शुरू हो जाएगी कुछ दिन के बाद, आपको गिल्ट फील होना शुरू हो जाए, आपको लगेगा मैं जितनी भी मेहनत कर रही हूँ ये तो फालतू की चली जाएगी अगर मैंने थोड़ा सा भी ये जंग खाना शुरू कर दिया तो, राइट। थर्ड है पीडोमीटर ऐप करके आता है, यू कैन ओपन द गूगल प्ले स्टोर और आप वहाँ से पीडोमीटर ऐप डाउनलोड कर लो, मेरे फ़ोन में भी है, और आप जब भी वॉक करते हो ये आपकी कितना आपने कैलोरी लूज़ किया, कितने स्टेप्स आप चले हो, ये सब का रिकॉर्ड आप ये रखता है, और आपको कोई अलग से हैंड बैंड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, रिस्ट बैंड आते हैं ना वो फिटनेस बैंड, वो खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना सेव हो जाएगा। उसके बाद है जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हो तो डेली यू आर नीडिंग ओनली 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज योर बॉडी नीड, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपका जो BMR है जितना भी आप उसे कैलकुलेट कर लो, आप गूगल पर टाइप कर लोगे हाउ टू कैलकुलेट BMR तो वो आ जाएगा, वहाँ से आप 500 कैलोरीज ऐड कर लो, और जो भी खाओ ट्राई करो कि फिल्ड इन न्यूट्रिशन हो। जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हो तो आप ट्राई करो कि ऐसा कुछ खाएं जिसमें कैलोरीज भी कम हो और न्यूट्रिशन भी ज़्यादा हो, बिकॉज आप जितना हेल्दी डाइट लोगे उतनी अच्छी आपकी फीड भी होती है, लाइक ब्रेस्ट मिल्क क्वालिटी उतनी अच्छी होती है और उसकी क्वांटिटी भी उतनी ही अच्छी होती है। तो आप छोले भटूरे, पूरी कचौरी, पकोड़े, चाट, इन सबको टाटा बाय बाय कर दो थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली इतने हेल्दी तो है नहीं है, तो मैंने तो खाना छोड़ दिया ये सारी चीज़ें। वंस इन ए ब्लू मून जब आप डिज़र्व करना तभी खाना, डिज़र्व का मतलब है जब आप प्रॉपर अपनी बॉडी में कोई प्रोग्रेस देखो वेट लॉस के हिसाब से, तब तो आप अपने आप को ट्रीट दे सकते हो। जब भी आप अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हो आप उसे प्रोटीन रिच डाइट बनाइए, आप पनीर पे स्विच करो, टोफू पे स्विच करो, सोया पे स्विच करो, बहुत सारी डाइट्स हैं, रेसिपीज़ हैं आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, बहुत सारे चैनल्स हैं जो बहुत ही बढ़िया प्रोटीन बेस्ड डाइट बताते हैं। आगे अगर आप चाहोगे तो आई विल शेयर की व्हाट आई एम ईटिंग राइट नाउ, इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। उसके बाद आता है कि स्लोली स्टार्ट कीजिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर सूर्य नमस्कार करें। ये एक आसन है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है फॉर वेट लॉस, तो अगर आप ये कर पाओ, आई डू प्राणायाम एंड सूर्य नमस्कार। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइज अगर आप कर पाओ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाओ तो नो इश्यूज़, बट ट्राई टू बी एक्टिव, ट्राई टू बी ऑन योर फीट एंड वॉक एटलीस्ट 5000 स्टेप्स अ डे। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पानी पीना है आपको, अच्छी नींद लेनी है, बिकॉज अगर आप अच्छे से सो नहीं रहे हो यू नीड एटलीस्ट 7 hours ऑफ स्लीप, एक स्ट्रेच में आपको सोना है, ऐसा नहीं कि अभी 4 घंटे सो लिए दोपहर में 3 घंटे सो जाऊंगी तो 7 hours हो गए, एक स्ट्रेच में आपको 7 hours की नींद चाहिए। ये क्या करता है आपकी बॉडी के हारमोन्स को बैलेंस करती है आपकी स्लीप, आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो उसका रिजल्ट मिलता है आपको, आप रिलैक्स करती है बॉडी, अगर आप टायर्ड हो और फिर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको उसका रिजल्ट आई गेस 20-30% मिलेगा, लेकिन अगर आपकी बॉडी रेस्ट में, मतलब आपकी बॉडी को रेस्ट मिल चुका है, आप एक्टिव फील कर रहे हो, तो उस वर्कआउट का रिजल्ट आपको 100% मिलने वाला है। तो रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड मॉम यू आर अ न्यू मदर, यू हैव जस्ट डिलीवर्ड ए बेबी, यू रियली नीड अ लॉट ऑफ रेस्ट आपको करने के लिए। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एज ए मदर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टफ। इससे मुझे याद आया, अगर आप ये सोच रहे होगे कि घर की काम करके आप वेट लॉस करने वाले हो तो ऐसा होता नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि हाँ आपको लग रहा होगा कि नहीं मैंने तो घर के काम करके बहुत वेट लॉस किया है, आप इसलिए करते हो क्योंकि आप टाइम से खाना खाना भूल जाते हो, कभी आप लंच नहीं करोगे, कभी आप डिनर नहीं करोगे, कभी आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो इस वजह से आप कैलोरी डेफिसिट में चले जाते हो, जितनी आपकी कैलोरी आपकी बॉडी को चलाने के लिए चाहिए उस मशीन को आप उतना खाना देते नहीं हो, तो इसकी वजह से आपका वेट लॉस हो जाता है, लेकिन वो प्रॉपर या हेल्दी वेट लॉस नहीं होता है। तो आज मैंने जो भी डिस्कस किया ये वो स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस थे जो मैंने अपने लाइफ में किए हैं, और सुनने में आपको लग रहा हो कि अरे इन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, एक्चुअली इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक डिसिप्लिन चाहिए आपको कि मुझे सुबह उठ के अपने लिए 1 घंटा निकालना है, आई हैव टू डिवोट 1 hour फॉर माई फिटनेस, आई हैव टू वॉक, आई हैव टू वर्कआउट, और मुझे खाना बिल्कुल हेल्दी खाना है। और जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको फॉलो करनी है।
ट्राई टू कट डाउन शुगर फ्रॉम योर डाइट, फ्रॉम योर लाइफ, जितना भी हो सके। हाँ, अगर न्यू मम्स हैं तो ऑब्वियसली जो भी हमारे लिए बनती है ना, लड्डूज वगैरह बन रहे हो तो उसमें तो शुगर है, आप वो सब कुछ करो। आप 2 मंथ्स चाहते हो ले लो, आप 3 मंथ्स, आप 4 मंथ्स ले लो, सब कुछ करो। लेकिन जब आप स्टार्ट करो फिटनेस तो आपको शुगर को कट करना ही पड़ेगा। शुगर इज़ लाइक अ पॉइजन, इट्स वर्स देन कोकेन। तो अगर आप इसे छोड़ सको तो बहुत ही अच्छा, यू विल बी अमेज टू सी द रिजल्ट इन 6 मंथ्स। लेकिन अगर आपने शुगर नहीं छोड़ा, लड्डू मिठाई और गुलाब जामुन या जलेबी ये सब कुछ अगर आपने नहीं छोड़ा तो आई डोंट नो क्या होगा आपका। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट। ईटिंग अ हेल्दी डाइट, डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, ब्रेस्ट फीडिंग योर चाइल्ड विल लीड यू टू अ सस्टेनेबल पोस्टपार्टम वेट लॉस। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें एक थम्स अप दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहे फ्यूचर में भी आप ऐसे ही पेरेंटिंग और मदरहुड रिलेटेड कंटेंट्स देखते रहें। जो भी एक्टिविटीज़ मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ, जो भी चीज़ें हैं हम अपनी डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, हम चाहते हैं आपसे ज़रूर शेयर करें। और इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पेज पर ज़रूर कनेक्ट करें, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं एंड आई एम श्योर आप ज़रूर पसंद करेंगे उसे। So we will meet you next week. Till then, bye bye, take care.